हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज यहाँ पे इस वीडियो में आपको पांच ऐसे 250 सीसी सेगमेंट में बाइक्स के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं जिसके प्राइस 2 लाख से कम है और ये सभी प्राइस ऑन रोड प्राइस होंगे। यानी कि अगर आप 250 सीसी सेगमेंट में कोई बाइक खरीदना चाहते हैं और आपकी बजट मात्र 2 लाख रुपए तक है तो ऐसे में ये वीडियो खासकर आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको केवल ऐसे ही बाइक्स की जानकारी मिलेगी जिसकी प्राइस ऑन रोड 2 लाख से कम की है। और ये सभी बाइक्स काफी पॉपुलर है इंडियन मार्केट में, काफी ज्यादा मात्रा में इसे पसंद भी किया जाता है और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देती है। इसके साथ ही साथ इसमें फीचर्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में इस बाइक से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, टॉप स्पीड क्या है, माइलेज क्या है और ऑन रोड प्राइस क्या है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को कम्प्लीट पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए सारी बातें हम डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे इस लिस्ट में मैंने जिसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है उस बाइक्स को पहले रखा है और जिसकी प्राइस थोड़ी सी कम है उसको मैंने लास्ट में रखा है, जिससे कि आपको बजट डिसाइड करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे इस लिस्ट में 5th नंबर पे सुजुकी कंपनी की जिक्सर है, जिसमें कंपनी आपको केवल 2 कलर देती है, लेकिन इस बाइक में आपको ग्राफिक्स काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। इंजन इसमें 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन के साथ मिल जाता है, जिसका इंजन 26.5 पीएस का पावर और 22.2 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है और ये बाइक 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है। तो इस बाइक के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। टायर साइज भी आपको काफी मोटे मिल जाते हैं, फ्रंट में 110x70 का 17 इंच और रियर में 150x60 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, जिसके फ्रंट और रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा और सेफ्टी के लिए कंपनी इसमें ड्यूल चैनल का ABS भी देती है। इस क्लास में फुली LED हेडलैम्प्स मिल जाएगा, फुली डिजिटल मीटर मिल जाता है, हालांकि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ नहीं आती है और इसमें आपको ट्विन मफलर भी देखने को मिल जाती है। माइलेज की अगर बात करें तो बाइक 35-40 km/h तक अप्रॉक्स माइलेज देती है। तो इस बाइक की टॉप स्पीड 152 km/h तक है। तो अगर इस बाइक के सीट हाइट की बात करें तो 800 mm तक इसकी सीट हाइट है, फ्यूल टैंक का सीट 12 लीटर है और इसका कर वेट 156 kg है। तो ये बात आती है इस बाइक की प्राइस क्या है, तो इसमें आपको सुजुकी जिक्सर 250 का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस 1,74,600 यानी कि 1,74,600 रुपए तक एक्सरूम प्राइस है। तो अगर इसके ऑनर प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्स दिल्ली में 1,99,800 यानी कि 1,99,800 रुपए के आसपास में ये आपको ऑन रोड दिल्ली में मिल जाएगी। तो इस लिस्ट में 4th नंबर पे बजाज कंपनी की डोमिनार 250 है, जिसमें कंपनी ने अभी कुछ टाइम पहले ही इसमें 3 नए कलर ऑप्शन को लॉन्च किया है, जिसमें आपको डुअल टोन ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से ये पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव लुक देती है। इसमें इंजन 248.77 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक DOSC 4-वॉल लिक्विड कूल्ड ट्विन स्पार्क BSS कंप्लाइंट के साथ फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है, जिसका इंजन 27 पीएस का पावर और 23.5 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है और ये भी बाइक 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है, जिसके फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फॉर्क और रियर में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक विद नाइट्रोक सस्पेंशन भी मिल जाता है। यानी कि ये बाइक काफी कंफर्टेबल के साथ ट्यूरिंग बाइक है, तो अगर आपको ट्यूरिंग पसंद है तो इस बाइक को आप जरूर लीजिएगा। तो इसमें आपको फ्रंट के साइड 100x80 का 17 इंच और रियर में 130x70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, जिसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक और रियर में भी डिस्क ब्रेक मिल जाती है। ये भी बाइक डुअल चैनल ABS के साथ आती है। इस बाइक में फुली LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है, LCD डिस्प्ले भी दी गई है। इसके अलावा इसमें भी ट्विन बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है और इसके साथ ही साथ ये स्लीपर क्लच के साथ भी आती है। तो इसके माइलेज की बात करें तो ये भी 35-40 km/h तक अप्रॉक्स माइलेज देती है। इसकी टॉप स्पीड 150 km/h तक है, हालांकि कुछ लोगों ने 155 km/h तक की रफ्तार में भी इसको चला चुके हैं। तो अगर इसके सीट हाइट की बात करें तो इसकी भी सीट हाइट 800 mm है, फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 13 लीटर है और इसका कर वेट 180 kg तक है, यानी कि ये बाइक काफी भारी भी है। तो ये प्राइस की बात करें तो बजाज डोमिनार 250 के एक्सरूम दिल्ली का प्राइस 1,59,309 यानी कि 1,59,309 रुपए तक एक्सरूम प्राइस है। अगर इसके ऑनर प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्स दिल्ली में 1,83,000 रुपीज यानी कि 1,83,000 रुपए के आसपास में आपको ऑन रोड मिल जाएगी, हालांकि डोमिनार 250 का प्राइस पहले से थोड़ा सा कम हो गया है। तो इस लिस्ट में 3rd नंबर पे यामाहा कंपनी की FZ250 है, जिसमें कंपनी आपको 3 कलर ऑप्शन दे देती है, जहाँ पे आपको एक कलर ऑप्शन में काफी ज्यादा ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाती है। तो इसमें आपको एक मोटो GP एडिशन भी देखने को मिल जाता है। इंजन की बात करें तो 249 सीसी का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वॉल फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है, जिसका इंजन 20.8 पीएस का पावर और 20.1 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि ये बाइक 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है, जिसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक और रियर में 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिल जाता है। टायर इसमें थोड़े चौड़े दिए गए हैं, जिसमें फ्रंट के साइड 110x80 का 17 इंच और रियर में 140x70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है, जिसके फ्रंट और रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा और ये भी डुअल चैनल ABS के साथ आती है। इसमें आपको फुली LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है, फुली डिजिटल मीटर भी इसमें दी गई है और इसमें मिड शिप मफलर कवर दिया गया है। माइलेज की बात करें तो ये भी 35-40 km/h तक अप्रॉक्स माइलेज देती है, लेकिन इसमें इंजन पावर थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से इसकी टॉप स्पीड 136 km/h तक है।
अगर इसके सीट हाइट की बात करें तो इसके सीट हाइट 795 mm है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14 लीटर है। इसका कर वेट 153 kg है। तो अगर इसके प्राइस की बात करें तो यामा FZ250 कैक्सरूम दिल्ली का प्राइस 1,36,800 रुपीज से लेकर 1,38,800 रुपीज तक एक्सरूम है। अगर इसके ऑनरोड प्राइस की बात करें प्रॉक्स दिल्ली में 1,59,000 रुपीज से लेकर 1,61,000 रुपीज तक ऑनरोड आपको ये मिल जाएगी। तो इस लिस्ट में सेकेंड नंबर पे बजाज की न्यू लॉन्च बाइक बजाज पल्सर 250 है। हालांकि इसमें दो बाइक शामिल है। यहाँ पे सेकेंड नंबर पे मैंने बजाज पल्सर F250 को रखा है, जो कि आपको सेमी फेयरिंग लुक के साथ मिल जाती है, जिसमें दो कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें इंजन 249.07 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है, जिसका इंजन 24.5 पीएस का पावर और 21.5 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। और ये भी बाइक 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। तो इस बाइक के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोशॉक विद नाइट्रेक्स सस्पेंशन दिया गया है। टायर हालांकि बाकी के अन्य 250 सीसी बाइक से थोड़ी सी पतली दी गई है। इसके फ्रंट में 100x80 का 17 इंच और रियर में 130x70 का 17 इंच का टायर लगा हुआ है, जिसके फ्रंट और रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। और इसमें सेफ्टी के लिए केवल सिंगल चैनल का ABS मिलता है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस काफी कम हो जाती है। इसमें आपको फुली LED सेटअप मिल जाएगा, नया DRS देखने को मिल जाता है, तो ये फ्रंट लुक काफी अच्छी देती है। इसके अलावा इसमें नया इन्फिनिटी डिस्प्ले भी दिया गया है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। इसमें भी डुअल बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच के साथ आती है। माइलेज की बात करें तो ये भी 35-40 kmph तक अप्रॉक्स माइलेज दे देगी। टॉप स्पीड इसकी 140 kmph तक है। तो इस बाइक की सीट हाइट 795 mm है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14 लीटर है। इसका कर वेट 164 kg है। तो अगर इसके प्राइस की बात करें तो बजाज पल्सर F250 का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस 1,40,000 रुपीज यानी कि 1,40,000 रुपए तक है। अगर इसके ऑनरोड प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्स दिल्ली में 1,62,000 रुपीज यानी कि 1,62,000 रुपए के आसपास में आपको ऑनरोड मिल जाएगी। इसके अलावा इस बाइक में आपको स्टैंडर्ड तौर पे USB सॉकेट भी मिल जाता है, जहां से आप स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। तो इस लिस्ट की पहले अगर बाइक की बात करें, जो कि पल्सर की 250 सीरीज की बाइक है, यानी कि बजाज पल्सर N250 है, इसमें भी आपको सेम दो कलर मिल जाता है जो F250 में दी गई है। इंजन भी आपको सेम F250 वाली मिल जाती है। सस्पेंशन सेटअप भी आपको सेम वही मिल जाता है। टायर साइज भी वही मिल जाती है। और फ्रंट और रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और ये भी सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। यहाँ पे भी आपको LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है, जिसमें हाई बीम लो बीम आपको सिंगल यूनिट के साथ मिल जाती है। इसके अलावा इसमें भी LED DRS दिया गया है, जिसकी वजह से काफी स्टाइलिश लुक देती है। तो इसमें भी आपको F250 जैसा ही इन्फिनिटी डिस्प्ले मिल जाता है, USB सॉकेट मिल जाता है, ट्विन बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है, असिस्ट और स्लीपर क्लच के साथ आती है। यानी कि अगर आप N250 और F250 को देखते हैं तो आपको सिमिलर फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस में थोड़ी बहुत डिफरेंस आ जाती है, जिसकी वजह से मैंने आपको अलग अलग पोजीशन पे इस बाइक को रखा है। माइलेज आपको 35-40 kmph तक इसमें मिल जाएगी, और इसकी भी टॉप स्पीड 140 kmph तक है। इसकी भी सीट है 795 mm है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 40 लीटर है, लेकिन इसका कर वेट 162 kg है, यानी कि F250 से थोड़ी सी हल्की है। तो इसके प्राइस की बात करें तो बजाज पल्सर N250 का एक्सट्रूम दिल्ली का प्राइस 1,38,000 रुपीज यानी कि 1,38,000 रुपए तक है। अगर इसके ऑनरोड प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्स दिल्ली में आपको 1,60,000 रुपीज यानी कि 1,60,000 रुपए के आसपास में आपको मिल सकती है। तो पल्सर की N250 और F250 आपको बाकी अन्य 250 सी सेगमेंट के बाइक से काफी सस्ती मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपको सिंगल चैनल का ABS देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको एनालॉग डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, तो जिसकी वजह से इसकी प्राइस थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन इसमें फीचर्स भी काफी अच्छे दिए गए हैं। तो ये पांच वो बाइक्स थे 250 सी सेगमेंट में जिसकी प्राइस ऑन रोड 2,00,000 से भी कम है। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि बाकी भी अन्य 250 सी सेगमेंट में बाइक है, जैसे कि हस्क्वर्ना की बीट प्लेन, स्वाट प्लेन है, KTM ड्यूक 250 है, KTM एडवेंचर 250 है, उन बाइक को क्यों नहीं शामिल किया। तो आपको मैं बता दूं, उनकी प्राइस ऑन रोड 2,00,000 से भी ज्यादा चली जाती है। उन बाइक्स की ऑन रोड प्राइस 2,00,000 से लेकर 2,50,000 के बीच में देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से उन बाइक्स को यहाँ पे इस वीडियो में मैंने शामिल नहीं किया है। यहाँ पे बस मैंने उन्हीं बाइक्स को शामिल किया जिसकी ऑन रोड प्राइस 2,00,000 से कम है, जिससे कि जिन लोगों की बजट 2,00,000 रुपए तक है उनको डिसाइड करने में आसानी हो जाए कि 2,00,000 के अंदर 250 सेगमेंट में कौन सी बाइक उनको देखने को मिल जाती है। तो इनमें से कौन सी बाइक आपको पसंद आई, कौन सी आपके बजट के अंदर आई, किसको आप परचेस करना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।